केयर करनी थी आपको, करनी थी शादी करना जरूरी था। आपकी बेटी की उम्र क्या है ना, है कि नहीं है? क्या बेटी बेटी कर, क्या बेटी बेटी, 65 साल के आप हो गए, बालिग है, बालिग लड़की है, नाबालिग नहीं है, नाबालिग नहीं है, नाबालिग मुझे पसंद है। नहीं पसंद है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मिला था इसमें क्या पसंद है आपको? बस देख रहे हो ये कौन है यार, ये अभी अभी इनको देखा था, ये अंदर गए थे, देखो कितना हंसते खेलते हुए आ रहे हैं, ये देखो ये लोग शादी कर ली इन्होंने, लड़का लड़का थोड़ी है भाई, देखियो क्या चल रहा है यार भाई, ये लड़का लड़की नहीं लग रहे, ये शादी करके आए हैं मुझे लग रहा, और ये तो बुढ़ा है यार, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा, देखिए भाई शिट यार, क्या करें, चले ना चले, क्या करें, बोले कितना बोलेंगे भाई, देख रहा है लड़की बहुत छोटी उम्र की नहीं लग रही है, एक बार चल इधर, ये लड़की बहुत छोटी उम्र की नहीं लग रही है, ओ भाई देखिए यार, शिट 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 शिट, यहाँ कैसे बैठो भैया? अरे क्या हो गया, शादी करी है, शादी करके बैठे हो, ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी। सच बोल रहे हो आप? हाँ जी झूठ। क्या मैं पुलिस में बुलाऊं, थाने बुलाऊं? अरे सच बोल रहे हो, क्या हूँ मेरे, धमकी क्यों दे रहा है? रुक जा भाई, धमकी क्यों दे रहा है? चिल्ला मत, रुक जा, क्या कर रहे थे मंदिर में, शादी करने गए थे? क्या हो गया, किसने कराई शादी? रजामंदी से करी है, किसने कराई है? इसने अपनी मर्जी से करी है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आपका? नहीं, क्यों उठाएगा ऑब्जेक्शन जब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। क्या है जी आपकी? 23। मैडम कुछ शर्म लिहाज है ही नहीं है, क्या शर्म की क्या बात है भाई, मर्जी है नहीं, ये जैसे बोलो, देखो मैं आपसे सारी सुधा ही है, अब तो आप सारी सुधा, वैसे एज में ज्यादा हो, एक मिनट मेरे पास, आपको शर्म तो आ नहीं रही होगी बोलते हुए, क्या बात है भाई, क्या एज आपकी है, क्या एज है आपको, क्या करना बेटा? नहीं मैं एज बताओ मेरे को, आप एज बताओ, नहीं पुलिस बुलाऊंगा अभी मैं, बुला ले यार, बुला ले मियां बीबी राजी, तो क्या ना बालिग है, आप क्या नाम है आपका? बालिग है लड़की, सच सच बताओ क्या बात है, अगर आप सच बताओगे, देखो अगर कोई कोई जबरदस्ती है, कोई दिक्कत है तो आप बता दो, अभी हम यही है, जबरदस्ती सच सच बताओ मैडम, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा अभी तुरंत, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपचंद, दीपचंद क्या उम्र है? उम्र है कि मेरे 55 के करीब, खुद को पता नहीं क्या उम्र है? 55। झूठ बोल रहे हैं, 55 55 का तो नहीं लग रहा, 55 के क्या मैडम उम्र कितनी है आपकी? अरे 55। सच सच बता रहे हो ना, कोई प्रेशर में तो आके शादी तो नहीं करी है? नहीं। कैसे शादी कर ली, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, शादी सब करते हैं, देख बेटा वो बुढ़े चुप रहे, तमीज में बोल रहे, तमीज में बोल रहा तेरे को, समझ नहीं आ रही, मैं अकड़ मत, अभी 100 नंबर पे कॉल करूंगा ना, 2 मिनट में चला जाएगा, 200 पे कर ले, हमने अपनी मर्जी से करी है, बस मर्जी से करी है हमने, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा, फैमिली का है, मेरी मम्मी है घर पे, और कौन कौन है घर पे? सच सच बता रहे हो आप? कोई नहीं है। तो शादी क्यों करी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इस यही मिला था क्या आपको? मुझे पसंद है। नहीं पसंद है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये मिला था इसमें क्या पसंद है आपको? क्या भाई पसंद होती है? जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी नहीं, क्या क्या पसंद है? अरे सुन मेरी बात, पूछो, अकड़ मत, अकड़ने की क्या बात है? नहीं अभी धोखाधड़ी के केस में घुसवा दूंगा 2 मिनट के अंदर, कुछ भी हो अभी, जब जा बालिग है, बालिग लड़की है, नाबालिग नहीं है, मेरी बात अंकल, नाबालिग नहीं है, मेरी बात नाबालिग से मतलब नहीं है, पहली बात तो ये रूल के खिलाफ है, पहली चीज, कोई बात है, कोर्ट में भी मेरी बात, कोर्ट में भी लेके चलियो ना, देख लेंगे जो होगा, क्यों बहुत पैसा है तुम्हारे पास? पैसे हम रईस है। अच्छा देख रहे हो गाइस, ये लोग रईस है, और देखो इस लड़की, मैडम सच सच बता दो, अगर कोई बात है तो, नहीं तो बाद में आप ही को झेलना पड़ेगा, आप ऐसी इतनी बड़े उम्र दराज को भड़का रहा है, लड़की को भड़का क्या, गलत काम कर रहे हो, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है पता भी है? किस पे प्रभाव पड़ रहा है? तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं है क्या, तुमने शादी नहीं करी कभी? मेरे बच्चे नहीं है, कसम से यार कैसे बदतमीज बंदे, बच्चे नहीं है, बच्चे हुए ही नहीं है तो कहाँ से दिखा दे, जबरदस्ती दिखा दो, अड़ोस पड़ोस के पकड़ के लिए आऊं, दूसरी शादी किसने करी है? देखो इससे डरने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी यही हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं, अगर कोई बात है तो अभी बता दो, नहीं बाद में फिर आप झेलोगे उससे कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी भी कोई बात है तो मैं पूछ रहा हूं, टॉर्चर क्यों कर रहा है? धीरे बोल ले, टॉर्चर क्यों कर रहा है? बोल दीमा, टॉर्चर क्यों कर रहा है? मत करनी तो अभी 100 नंबर पे कॉल कर दूंगा 2 मिनट, अरे धमकी किसको दे रहा है? मेरे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी यार? अच्छा काजी क्या करेगा? हम हां नाम क्या बताया मैंने?
क्या बताया? नाम क्या है? क्या बताया? दीपचंद। हाँ जी। तो बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? तो क्या यार, एक बात बताओ अंकल, आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी बेटी को मर गया। तमीज से बोल अंकल, कह के बात का। अंकल ही हो ना? अंकल ही हो ना? हाँ अंकल ही से बोल रहा हूँ। अंकल है तो आपको शर्म नहीं आ रही? क्या ये क्या है? ये तेरी कौन लगी? तेरी मेरी कोई नहीं लग रही। आंटी लगी? आंटी से मतलब नहीं, आपको शर्म नहीं आ रही? आपसे बड़ी है, छोटी है? क्या भाई निशा? हाँ जी, कहाँ चलो? चलो रुक जाओ, मैं फोन नंबर बैठे रहो, मैं सौ नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, रुक जाओ ना। क्यों? जब हमने जाना नहीं है ना, ना, ना जाना है ही नहीं। क्यों नहीं जाना? मैं बुला रहा हूँ, रुक जाओ। सौ नंबर पे कॉल नहीं होने वाले। एक तो गलत काम कर रहा हूँ। क्या गलत काम है ये बताओ? मैंने अगर अपनी मर्जी से करी तो इसमें क्या गलत काम है? किस बेस पे शादी करी? मैं ये पूछ रहा हूँ, किस बेस पे करी है मैंने? अपनी पैसे वाला इसलिए शादी करी है? जरूरी नहीं कि हर चीज पैसे से ही हो। वो तो दिख ही रहा है, वो चीज मेरी मर्जी से करी है मैंने। अरे ये पता क्या है? क्या बता? एक मिनट मेरे पास बताओ। सुन, मैं तेरे को इसको समझाने दे। समझाओ। ये मेरे पास काम करती है। अच्छा। इसने अपनी खुशी से अपने बच्चों, अपने माँ बाप के कहने पे शादी करी है। अच्छा। बस वो तो कह रही उनके माँ बाप है नहीं, उनकी मम्मी मम्मी है सिर्फ। मम्मी तो है ना, मम्मी माँ बाप नहीं होते यार तुम लोग? मम्मी माँ बाप नहीं होते क्या? मम्मी माँ बाप तो होते, तुम लोगों की वजह से ना लोगों का माहौल खराब हो रहा है। माहौल खराब नहीं हो रहा बेटा, किसी की जिंदगी को बचाना एक अच्छा काम। बचाना थोड़ी हो रहा है, तुम तो बर्बाद कर रहे हो उसकी। ये तो बचाना अच्छा काम है। ये तो बर्बाद करना हो रहा है, कहाँ से बचाना हो रहा है? ये पूछो, इससे पूछो। जा कहाँ रहे हो? रुक जाओ, मैं सौ नंबर। ना ना, अरे सौ नंबर की क्यों धमकी? बोलो क्यों धमकी दे रहा है? सौ नंबर की क्यों धमकी दे रहा है? क्यों गलत तो कर ही रहे हो ना? क्या गलत करा है हमने? गलत नहीं कर रहे हो? कुछ भी गलत नहीं कर। क्या है ये? हमने अपनी मर्जी से करी। चलो चलो। कितने बेशरम आदमी, देखियो। अब मैं बुलाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा दो मिनट के अंदर। हाँ सुन रहे मेरी बात? अरे बुला ले, वो मना कर रही है यार। मैडम देखो, कोई बात है तो अभी सच सच बता दो। अभी मेरे को लग रहा है ना, अभी सच सच बता दो। इतने उम्र दराज बंदे से शादी करी आपने, प्लीज इनको बता। मुझे नहीं लग रहा है। आप चुप रहो, प्लीज चुप रहो। मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड थे, संभालने वाला कोई नहीं, तो मुझे शादी करनी है। मैडम एक बात बताओ, दुनिया में और लोग नहीं है क्या? आप ये बताओ। वो मेरे पास पैसों के लिए शादी करी? पैसों के लिए? मेरी बात सुनो ना भाई, सुनो एक मिनट। ना ना सुना, सुनो। दो बच्चे मेरे। हाँ एक बेचारा बच्चा। अभी तो बोल रहे थे शादी नहीं हुई तुम्हारी। अरे इसका एक बच्चा है यार। मेरे को ये बंदा ठीक नहीं लग रहा मैडम, कहीं आपके साथ शादी वादी करके बाद में कुछ गलत हो जाए। आजकल वैसे मैंने इसको समझा रखा यार। भाई देख, अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन शादी करना जरूरी था क्या? आप अपनी बेटी की तरह भी तो उसको पाल सकते थे ना? नहीं पाल सकते थे? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। आप मेरे को बताओ, अगर आपको बच्चों को केयर करनी थी, आपको करनी थी, शादी करना जरूरी था? आपकी बेटी की उम्र की है ना, है कि नहीं है? क्या बेटी बेटी कर? क्या बेटी बेटी? 65 साल के आप हो गए। क्या हो गया बेटी बेटी? 25 30 साल की लड़की, वो है 20 साल की। बेटी बेटी क्या होता यार? मतलब देख रहे हो कैसे यार? भाई प्लीज इनको समझा। आदमी अगर किसी की हेल्प करना चाहता है ना, तो हेल्प तो वैसे भी कर सकता है भाई। बेटी बना सकते थे, गोद ले सकते थे। साले ठरकी, शर्म तो आती नहीं तेरे को? निकल जा, चल निकल, निकल जा, नहीं बताऊं मैं। निकल जा यहां से, दूर दूर तक दिखाई मत देना यार। गाइस मतलब क्या क्या जमाना आ गया, देख रहे हो? अगर तुम्हें इतनी हेल्प की शौक थी इन लोगों को, तो अपनी बेटी बना लेता, गोद ले लेता। कसम से यार, ये ऐसी वीडियो ना बनाने का मन भी नहीं करता। छोड़ो यार, आ जाओ।